क्या बताऊं यार, एक मुसीबत टलती है तो एक मुसीबत आ गया आ जाती है। यहाँ पर मैं पानी डालने के लिए आया था मुर्गियों को, लेकिन यहाँ पर देखा कि एक ही मुर्गी है, जो कि दो मुर्गी थी और एक मुर्गा था। तो मुर्गा तो बाहर होगा, मुर्गा कहीं भी पेड़ पे या फिर कहीं बाहर रह लेता है, उसको कोई कुत्ता पकड़ नहीं पाता है, भाग जाता है। लेकिन ये मुर्गियाँ अगर बाहर रहती है तो मुर्गियों को कुत्ता पकड़ लेता है। तो हमारे ख्याल से उसी के साथ में ये मुर्गी भी चली गई थी और लग रहा है कुत्ता पकड़ लिया। एक ही मुर्गी बची है, फिर भी मैं अपने तरफ से ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगा, सारा दोष मेरा ही बताया जाएगा कि तुम्हारे ही वजह से मुर्गी जो है कि बाहर निकली है। अब मुझे पता नहीं है कि कहाँ कहाँ जगह है इस जाली जाली में, यहाँ से कहाँ से निकलने का जगह है। कहीं से भी निकल जाती है, मुर्गा भी हमेशा बंद करता हूँ, मुर्गा भी निकल जाता है, तो पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर जो है कि एक ही मुर्गी बची हुई है, अब उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मर गई होगी तो मुसीबत मेरे लिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा, मेरे ऊपर ही दोष देता है। पहले पांच मुर्गी थी, पांचों को मुर्गी एक एक करके कुत्ता मार दिया। जब कुत्ता मार दिया तो मालिक हमको बोलता था कि तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारे वजह से जो है कि मुर्गी मर गई है, कुत्ता मार देता है। तो मैं क्या करूं यार, बाहर निकलती है, कुत्ता मार देता है। लेकिन जितना भी मुर्गी मरती थी, कुत्ता के सामने रखते थे और कुत्ता को पीटते थे। इसलिए मैं अपनी आंखों से देखा हूं, अभी तक कुत्ता कभी मुर्गी को दौड़ाया नहीं है, कभी भी नहीं दौड़ाता है। इस टाइम में जो नई वाली मुर्गी आया है, नई वाली मुर्गी को नहीं दौड़ाता है। लेकिन दो तीन दिन से बाहरी कुत्ता आ रहे थे, शायद बाहरी ही कुत्ता मारे होंगे, क्योंकि जो यहाँ का मेरा वाला कुत्ता है वो बिल्कुल नहीं छूता है। मैं अब खुद जानता हूँ कि वो अब नहीं मारेगा, सुधर गया है, वो जान गया है कि हाँ ये इसको मारने से नुकसान हो रहा है, इसलिए अब नहीं मारेगा। तो पहले तो हम देखते हैं उधर के तरफ, मजरा के तरफ मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मालिक से बताया जाएगा। देख सकते हैं यही एक मुर्गी बची हुई है और मैं पानी यहाँ पे डाल रखा हूँ, और जो है कि मैं मजरा के तरफ जाता हूँ कि ढूंढता हूँ कि मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो दिक्कत होगा ही होगा। वैसे इधर मजरा के तरफ अगर रहती है तो कन्फर्म पता है कि मुर्गा के साथ में ही रहेगी, बिना मुर्गा का नहीं रहेगी। अरे यार, मुर्गा तो इधर है, मुर्गा अकेले है, मुर्गी नहीं है, क्योंकि इधर की तरफ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है मजरा के तरफ। अगर होती तो ज़रूर दिखाई देती, कहीं ना कहीं तो दिखाई देती, लेकिन सिर्फ अकेले मुर्गा बचा हुआ है। आइए देखते हैं, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। इधर के तरफ भी देख सकते हैं, इधर के तरफ भी कहीं भी नहीं, नज़र नहीं आ रही है। इधर के तरफ एक टीन है, इस टीन के अंदर थोड़ा देखते हैं चल करके, शायद टीन के अंदर छुपी हो। तो फाइनली टीन के पास आ गए हैं और यहाँ पर देखते हैं। ओ, मिल गई। ओ माय गॉड, अंडा भी है और इसमें कबूतर मरा हुआ है। कबूतर तो पता नहीं कब का मरा हुआ है। ओहो, मतलब अंडा दे रही है दोस्तों। हमें पता नहीं था कि मुर्गी अंडा भी दे रही है, तो क्या किया जाए, उठा लिया जाए अंडा को। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अंडा है। ओहो, अंदर नहीं बनाया गया है अंडा देने के लिए, अंदर तो अंदर नहीं दे रही है, सारा अंडा इधर दे रही है। ओहो, सेने के लिए बैठी है लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, छुप कर अंडा दे रही थी। दो
दो चार दो छः दो आठ दो दस, दस अंडा पूरा टोटल दी है। आज मुर्गी गायब नहीं होती तो हमें भी पता नहीं चलता कि ये छुपकर अंडा दे रही थी, क्योंकि पहले मुझे पता था कि ये अंडा नहीं दे रही है। तो हम सोच रहे थे कि मुर्गी कहीं गायब हो गई है, लेकिन ये छुप करके अंडा देती थी। आप लोग देख सकते हैं बच्चा फोड़ने के लिए, तो मतलब कि अब इधर के तरफ ड्राम है, ड्राम के अंदर दे रही थी। हम ड्राम को तो देख रहे थे लेकिन ये नहीं ध्यान में आ रहा था कि इसके अंदर में जो है कि अंडा दे रही होगी। इधर के तरफ पूरा अंडा देने के लिए बनाया गया है, इन लोगों का घर बनाया गया है, अंदर खाना पीना सब पड़ता है और अंडा देने के लिए भी बनाया गया है, लेकिन उसमें अंडा तो है कि नहीं दे रही है। ज़्यादातर मुर्गी जो है कि बाहर ही अंडा देती है, तो इसलिए जो है कि स्टीन में आकर के अंडा दे रही थी। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये अंडा, तो अभी मालिक को भी ये पता नहीं है कि मुर्गी अंडा दे रही है। तो दोस्तों अभी के लिए मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मेरी मुर्गी मिल गई, ये मुझे बहुत खुशी की बात हुई। नहीं, मेरा दिमाग टेंशन में था, बिल्कुल ही टेंशन में था, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले व्लॉग में।